प्रशिक आज मुमरा प्रभात समिति पर आई थी आप, क्या मामला है, क्या आपने बातचीत की? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ पर आना और इससे पहले हम लोगों ने कमिश्नर ऑफिस थाने म्यूनसिपल कमिश्नर से भी मुलाकात की कल, ख़ास तौर से क्योंकि मुमरा में एक ऐसा मामला आप सामने आया है जिसके ऊपर एक्चुअली कॉर्पोरेटर्स को आप बोलना चाहिए था, लेकिन अब वो गायब है, कहीं नज़र नहीं आ रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले फॉरेस्ट एरिया का बोलने पर वहाँ पर के घरों पर कार्रवाई हुई थी और घरों को डिमोलिश किया गया था। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया हुआ है और मुमरा में जहाँ जहाँ पर ग्रेजिंग लैंड है, यानी जहाँ जहाँ पर गाय चरने के लिए जो जगह है, वहाँ पर इल्लीगल बांधकाम हुए हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए नोटिस आई है। और हर बिल्डिंग्स में, यानी तकरीबन आप समझ लो, यहाँ पर मैं आपको सर्वे नंबर बताऊँ, ये जो तलाटी का जो है वो नोटिस है, यहाँ पर सर्वे नंबर 29, 34, 38, 104, 106, 126, ये सर्वे नंबर है। इन लोगों को जो है वो नोटिस आई हुई है कि आपको जल्द से जल्द जो है वो बिल्डिंग खाली करनी है, क्योंकि वो ग्रेजिंग लैंड पे बनी हुई है और वो बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी बात मुमरा में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर भी मेरे साथ लगा हुआ है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, तो जब ये ऑर्डर आ गया तो यहाँ के जो है कॉर्पोरेटर और MLA क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो हमारे काम है, हमारी जिम्मेदारी है, जैसे ही ये नोटिस हमको मिली थी हमने हर जगह पर बात की इस चीज़ के लिए, कमिश्नर तक गए हम लोग, और हमारा आज काम था कि हम AMC से भी इस चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कशन करें, लेकिन अपॉइंटमेंट हमारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि हम बिज़ी हैं, हम नहीं आ सकते। तो AMC से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, ये जो जानकारी है हम उनको दे देंगे कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर बात है। सर्वे नंबर जो आप बता रही हैं, सर्वे नंबर कहाँ कहाँ का है, कौन कौन से? मोस्टली जैसे हम लोगों ने पता किया और ये लिस्ट में मेरे पास है, सोनाजी नगर से स्टेशन तक का ऑलमोस्ट सभी जगहों पे जो है ना वो नोटिस चले गई है। मेरे पास 211 घरों की जो है ना नोटिस यहाँ पर मौजूद है, इन सभी को जो है ना नोटिस मिली हुई है। तो ये आप रैंडमली किसी को फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, वो बताएंगे आपको कि भाई हाँ, हमें नोटिस आई हुई है घर खाली, बिल्डिंग खाली करने की। तो ये इतना बड़ा मामला है, मुझे एक बात बताइए, आज ये कॉर्पोरेटर लोग की बारी थी कि आपके आपके वार्ड में आज इतनी बड़ी नोटिस आई है, जब आपके वार्ड में एक ईंट भी रखते हैं तो आप पहुँच जाते हो इल्लीगल बिल्डिंग के लिए कि भाई यहाँ पर सपोर्ट करते हो उस चीज़ को, पूरी बिल्डिंग बन जाने देते हो। अब उसी तरीके से आपको एक बात बता दूँ, इल्लीगल बिल्डिंग तो हमारा कहीं ना कहीं मसला था। अब मैं यहाँ पर पीछे की बात बताती हूँ, अभी आप क्या करने वाली हैं इसमें, ये बताओ। हमने ना सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ग्रेजिंग लैंड के लिए, इसके लिए ये किया है कि हमने पत्र व्यवहार तो सब जगह कर लिया है, अब हम लोगों से आह्वान करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि आपको अगर ये घर यहाँ से, मतलब आप लोग यहाँ से खाली करेंगे घर, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है वो आपको घर मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा, जब हम जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो ये मैं सबसे मुमरा वालों से जो है वो अपील करती हूँ कि आप जो है वो तहसीलदार ऑफिस में जाइए और जाके अपना अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कीजिए, क्योंकि कल को जब ये बिल्डिंग डिमोलिश होगी, जब ये बिल्डिंग टूटेगी, तो आपको कहीं ना कहीं रहने के लिए जो है वो घर मिलेगा। तो आप लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू अगर आपको उसमें फिर घर मिलेगा, तो आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जमा करना। मान लो अगर पहले आप वहाँ पर, बताइए कि ये जो नोटिस आप बता रही दिया गया है, किसके तरफ से दिया गया? कलेक्टर से दिया हुआ है। हाँ, ये कब दिया गया? ये देखिए, अभी पिछले महीने की दो नोटिस आ चुकी है मेरे पास, अभी एक सोसाइटी की नोटिस मेरे पास अभी मौजूद है जो अप्रैल के महीने में भी आई थी और उनको फरवरी के महीने में भी मिली थी। तो ये दो नोटिस है, ड्रीम्स को दिया गया, देखिए एक 10 अप्रैल 2023 की नोटिस है लेटेस्ट अभी, और उनको कहा गया है कि आपके पास एक महीने का समय है, आप एक महीने के भीतर जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, पुराने जो भी डॉक्यूमेंट, यानी जहाँ पर से ये सिद्ध हो जाए कि आप यहाँ पर काफ़ी समय से ले रहे हो। ये दूसरी नोटिस है। पहली नोटिस जो है फरवरी में, नहीं नहीं, ये नवंबर में आई थी, 18 नवंबर 2022 को आई हुई थी, ठीक है। तो ये नोटिस क्या, उसमें रूम खाली करने की नोटिस आई थी, लेकिन इसके अंदर उसमें ये नहीं, उसमें सिर्फ रूम खाली करने की नोटिस आई थी। दूसरी नोटिस में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली नोटिस पे कैसे ना, कभी भी एक इंटीमेशन दिया जाता है ना, नहीं नहीं, अभी जो है वो अप्रैल को, हाँ अभी ये 15 तारीख जो हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में जानकारी निकाली है, तो उन्होंने कहा है कि 15 मई तक जो है उनके पास टाइम है। वो एक मिनट हो जाएगा, कल हो जाएगा, नहीं ये वाली है, देखिए ये 10 तारीख, यानी आज कितनी, 9 तारीख है, 10, हाँ कल 10 तारीख है, एक महीना हो जाएगा आज ही सुबह में। इसीलिए मैंने यहाँ बोलने से पहले मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर रही थी ताकि मैं कंफर्म करूँ इस चीज़ को, क्योंकि लोगों को टाइम मिलना चाहिए,
डॉक्यूमेंट जमा करने का। मुंबरा में ऐसी कितनी बिल्डिंग है जिनको नोटिस दिया गया है? 211 बिल्डिंग जो है, 211 स्ट्रक्चर है ग्रेजिंग लैंड के, उनको मिले कलेक्टर ऑफिस से ये कहा गया है कि हम लोग इनको जो है वो एक 15 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। 15 मई तक जो है वो कोई भी आके यहाँ पर जो जिन जिन का नाम है, 15 नहीं लिखित में नहीं गया, लेकिन उन्होंने बोला कि 15 मई तक हम लोग ने एक्सटेंड किया है, 5 दिन और है, और वहाँ पर आके ना लोग जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत अच्छा मौका है, कल को आप बेघर हो जाओगे, क्योंकि आज आप देखिए जो फॉरेस्ट के एरिया का बोलकर जो कार्रवाई वहाँ की गई थी, आज वो लोग कहाँ घूम रहे होंगे? आप सोचिए कल को अगर आपके घर की बारी आएगी तो आप कहाँ जाओगे? तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य, क्योंकि आज आप हो कल को आपके बच्चे भी तो है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके जो है वो कलेक्टर ऑफिस में जो है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, तहसीलदार ऑफिस में, यहाँ पर उमरा में। और दूसरी बात, मान लो कि आपकी पहले चाली थी, आप चौल वगैरह में रहते थे, उसके बाद वो बिल्डिंग बन गई, तो आप अपने चौल वगैरह के जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करो, या आप 15-20 साल से 25 साल से जितने भी साल से रह रहे हो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, लेकिन अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट जाने चाहिए। कल को ये नहीं बोलना चाहिए कोई कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं आए थे इसलिए आपको घर नहीं मिलेगा। हमको हमारी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना है, इसलिए आपको जाके वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करना है। मैडम, ये जो सोनाई नगर से लेकर स्टेशन तक आपने बताया कोर्ट में गया हुआ आपके नजर में है, जो कोर्ट में गया इसके बाद में ऑर्डर निकला? नहीं नहीं नहीं, ये कैसा है, ये सुओ मोटो, मतलब सुओ मोटो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है सामने से जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने जो कलेक्टर को ऑर्डर दिया है कि अब क्योंकि ये सुओ मोटो है, इसी वजह से जो है सबको जो है फ्रेंडली गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आई है, यहाँ से कोई नहीं गया है, ये ऐसा है।